सी मात्रा है? ओ की मात्रा। तो पहले ओ की मात्रा सर। हाँ वेट वेट बस म्यूट करो। ओ की मात्रा सर। ओ की मात्रा सर। हाँ ठीक है। क्या है? ओ की मात्रा। ओ की मात्रा देखिए क क को ओ की मात्रा क क प्लस मींस क को ओ की मात्रा दिए तो को क को ओ की मात्रा दिए तो को ख क को ओ की मात्रा खो ग ग को ओ की मात्रा गो ख घ को ओ की मात्रा घो च च को ओ की मात्रा चो च च को ओ की मात्रा चो ज ज का ओ की मात्रा जो ज ज का ओ की मात्रा जो। ओके वेट एक मिनट, मैं पढ़ने के बाद फिर बात को पढ़ना है। कौन कौन पढ़ेंगे अभी? अनवी अनम्यूट, अनवी अनम्यूट, श्रीवर्षिणी अनम्यूट, श्रीवर्षिणी अनम्यूट। ओके फिर कौन बोलेंगे? आर्फिया अनम्यूट एंड जीवितेश अनम्यूट, जीवितेश अनम्यूट। ओके आपको बोलना है, बाकी बार सभी को बोलना है अभी। वे लोग रहेंगे अनम्यूट में, आप म्यूट पे म्यूट होकर सभी को बोलना है। ओके क क को ओ की मात्रा को ख ख क को ओ की मात्रा को क को ओ की मात्रा को ग ग को ओ की मात्रा ग को ओ की मात्रा को क्या होता है? ताकि ओ गो 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 ग ग को ओ की मात्रा दो छ छ को कौन सी मात्रा है? छ छ हाँ बोलिए छ को ओ की मात्रा छो 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 गट्टी का है जल्दी जो है वे लोग बोलिए ना। छ छ को ओ की मात्रा छो की मात्रा जो मात्रा जो मात्रा जो की मात्रा तो की मात्रा ठो की मात्रा ठो ड ड को ओ की मात्रा डो ड ड की मात्रा डो ड ड को ओ की मात्रा ढो ड ड को ओ की मात्रा डो डो ना 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 को ओ की मात्रा नो नो ना को नो नो अना बोलिए अना ना को ओ की मात्रा नो 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 आ श्रीवर्षिणी टेल नाको आ नेक्स्ट अभी यहाँ से अभी लिखना है, आप बोलिए मैं लिखता हूँ। व्हाट इज दिस? ता ता को ऊकी मात्रा ऊकी नहीं है वो ये हाँ इंग्लिश में हो रहता है ना वो ओ की सर को ओ की मात्रा क्या होता है? सर को ओ की मात्रा तो नेक्स्ट ये थ त को ओ की मात्रा क्या होता है? तो ओके द ओ की मात्रा दो
दस ओ की मात्रा दो दो ओके फिर द दिख रहा है ना हाँ नहीं दिख रहा है क्या अभी जब दिखता हूँ नेक्स्ट द ओ की मात्रा दो दो ओके द को ओ की मात्रा दो नेक्स्ट न न को ओ की मात्रा न को ओ की मात्रा नो प प प को ओ की मात्रा ओ ओ ओके प को ओ की मात्रा को को की मात्रा नेक्स्ट अभिनय अन्यूट नेक्स्ट आप ही बोलिए ब ब को ओ की मात्रा की मात्रा भो ओके नेक्स्ट म म को की मात्रा मो ओके यहाँ से लेकर यहाँ तक फिर बाद में आपको क्या लिखना है अभी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फिर य को की मात्रा र को की मात्रा ल को की मात्रा व को की मात्रा आपको लिखना है श को की मात्रा श को की मात्रा स को की मात्रा क को की मात्रा श को ये सभी को य तक आपको पूरा लिखना है अंडरस्टूड अंडरस्टूड समझ में आया क्या से क से लेकर यहां तक आपको सभी ओ की मात्रा लिखना है आज का होमवर्क ये रहेगा अभी हम जाएंगे टेक्स्ट बुक की ओर हां मैं पंपिस्ता मां हां वनली ए डोंट राइट यू नाउ हां मैं बाद में आपको होमवर्क के साथ हां ये पोस्ट करूंगा पीडीएफ भेजूंगा बाद में आपको लिखना है ओके ठीक है सर ओके मां नो ये रास्ता दिखला वाला नो रास्ता जीरो नो इसके बाद में अभी अभी क्या करना है आपको मैं एक मिनट पिछले क्लास में हम देख रहे थे क्या देख रहे थे क्वेश्चन एंड आंसर वगैरह कौन से पार्ट का सूरज जल्दी आना जी अभी सूरज जल्दी आना जी कौन बोलेंगे और अभिनया अभिनया चौधरी आप बोलिए माँ सूरज जल्दी आना जी सूरज जल्दी आना जी तार तार ना दिखता है मोनिश व्हाट हैपेंड सर मैं बोलिए हाँ बोलिए माँ एक कटोरी सर मैं बोलूंगी नहीं एक मिनट एक मिनट एक मिनट पहले अभिनय को बोलने दो फिर बाद में आपको बोलना है सूरज जल्दी आना जी ना दिखता है सूरज जल्दी आना जी एक मिनट क्या है आप कंटेस्ट नहीं किए यानी कल नहीं पढ़े हो ठीक है ठीक है नेक्स्ट अभी
श्रीवर्षनी, हाँ श्रीवर्षनी बोलिए। एक कटोरी भरकर गोरी धूप हमें भी लाना जी, सूरज जल्दी आना जी। बेटा यहाँ कुहासा और पार ना दिखता है, ऐसे भी कभी किसे करने कोई दिखता है, तो जरा आना जी सूरज जल्दी आना जी। ओके हाँ, मैं जो भी के कपड़े अब तक गीले हैं, इसे भी क्या सभी किसे के नहीं है, क्या दीवारे क्या दरवाजे सबके सपने सीले हैं, सबके सपने सीले हैं, फिर छोड़ो आज थोड़ा जल्दी थोड़ा आना जी। ना 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 जी, सूरज जल्दी आना जी। वेरी गुड वेरी गुड। हाँ फिर से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो। ओके श्रीवर्षनी, इसके इसके बाद में अभी आप सभी को कंटेस्ट करना है ये कविता। अभी ये तो हो चुका है हमारा, कहाँ तक हो गया है? ये यहाँ तक हो गया है, फिर ये करना है। लेकिन पिछले क्लास में मैंने आपको ये आई की मात्रा वाले शब्द भी दिया। पता नहीं बहुत कम लोग मुझे होमवर्क भेजे है। इसके बाद में ओ की मात्रा, ओ की मात्रा, अभी ये ओ की मात्रा आज मैं भेजूंगा आपको, ये पूरा करना है। अभी इसके बाद में जो कविता के इधर सुनो, कविता के जो प्रश्नोत्तर है प्रश्नोत्तर को देखना है। कौन? आराध्या अनम्यूट मां। आराध्या, सूरज अपने साथ क्या लेकर आता है, पता है आपको? सूरज अपने साथ क्या लेकर आता है? धूप। करेक्ट। आदित्य करेक्ट मां, सूरज अपने साथ धूप लेकर आता है। सूरज अपने साथ धूप लेकर आता है। नेक्स्ट विकसित साई, आराध्य न्यू। हाँ इसके बाद में विकसित साई, नानी नानी। हाँ विकसित साई, यस। धूप का रंग पीले। हाँ एक मिनट, मैं प्रश्न नहीं पूछा, एक मिनट। गुड माँ, धूप का रंग कैसा होता है? धूप का रंग कैसा होता है? हाँ आप बोलिए। धूप का रंग कैसा हो? हाँ वाटर का, सूरज सूरज। धूप का रंग कैसा होता है, उसका उत्तर बोलिए। ग्रे कलर। नहीं है अभी यहाँ पर और water. नहीं, इसके पहले कोई बोल रहा था ना? सर मैं बोलेंगे। एक मिनट एक मिनट, हरिण्या येलो, हरिण्या एक मिनट येलो, सफेद हो। विकसित सही, अनम्यूट मा। सर धूप का रंग सफेद। एक मिनट, कौन बोलेगी अभी? अरिण्या आप बोलिए, धूप का रंग कैसा होता है? सफेद। अनम्यूट करो माँ, म्यूट में हो। अभी बोलिए कैसा होता है? पीला होता है। धूप का रंग पीला होता है। हाँ फुल सेंटेंस में बोलना है। ओके इसके बाद में राजा राम, नहीं दिख रहे क्या? इसके बाद में कौन बोलेगा? सानिका। Yes,
थर्ड क्वेश्चन, कुहासा किस मौसम में होता है? कुहासा किस मौसम में होता है? कुहासा के मौसम में होता है। सर्दी या गर्मी? कुहासा के मौसम में। अक्षय yes. आप थर्ड क्वेश्चन का आंसर बोलो माँ। कुआसा किस मौसम में होता है? दिस वन क्वेश्चन नाउ ब्लू कलर में उत्तर बोल के है ना, उसके नीचे थर्ड क्वेश्चन के नीचे वो बोलना है। कुहासा सर्दी के मौसम किस मौसम में? सर्दी के मौसम। करेक्ट। नेक्स्ट, कपड़े गीले क्यों है? अबे लड़के का कपड़े गीले क्यों हो गए? कपड़े बारिश के कारण गीले है। अभी एक बार मैं प्रश्न पढ़ता हूँ, देखिए इसके बाद में कपड़े गीले क्यों है, फोर्थ क्वेश्चन को कौन उसका कौन बोलेंगे उत्तर? आशीष कुमार। हाँ बोलिए कौन बोलेंगे? जश नहीं है। आवास आवास आप बताइए। कपड़े गीले क्यों है, उत्तर बोलिए। यहाँ पर है, आप देख के भी पढ़ सकते हो। हाँ जल्दी सर, आपको आवाज कट हो रहा था। मेरा आवाज नहीं आ रहा है आपको? फोर्थ क्वेश्चन माँ, फोर्थ क्वेश्चन, कपड़े गीले क्यों है उसका उत्तर। हाँ ठीक है, आप बोलिए फोर्थ क्वेश्चन का उत्तर बोलिए। नहीं आ रहा सर। नहीं आ रहा है? मैं तो अनम्यूट में हूँ माँ अभी। कपड़े बारिश के कारण गीले है। कपड़े बारिश के कारण गीले हैं। किसके कारण गीले? बारिश के कारण गीले हैं। कपड़े बारिश के कारण गीले हैं। ओके इसके बाद में फिफ्थ वन, अगर सूरज ना होता तो क्या होता या क्या होगा? अगर सूरज ना होता तो क्या होगा? यहाँ पर है माँ सूरज। कौन बोलेगा? काव्यश्री। काव्यश्री अनम्यूट माँ। यस। यहाँ पर देखिए ये है उत्तर। उत्तर बोलिए। सूरज ना, हको की मात्रा हो हो। सूरज ना होता तो दिन और उजाला नहीं होती। सूरज ना होता तो दिन यानी डे एंड उजाला मींस लाइट, अभी ये प्रकाश दिखा रहा है ना, वो नहीं होती। ओके इसके बाद में नीचे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प पर टिक यानी सही का निशाना लगाना है। ओके अभी ये कौन बोलेंगे? मौनेश। मौनेश आ
देखो कविता में बच्चा किसे जल्दी आने के लिए कह रहा है? कविता में बच्चा किसे जल्दी आने के लिए कह रहा है, गर्मी को या सूरज को? हाँ मोनिश, यस सर, आप बोलिए ना फिर। फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें ऑप्शनल आपको यहां पर दिए गए, क गर्मी को, ख सूरज को, इसमें से कौन सा सही है, किसको टिक करेंगे आप? टिक। किसको? अभी यहां पर सूरज को जल्दी आने के लिए कह रहा है, किसको? सूरज को। सूरज को टिक। हाँ ओके, फिर बाद में बच्चा सूरज से कैसे धूप लाने के लिए कह रहा है, गोरी या लाल? हाँ पहले यहां पर सूरज को टिक करना है, फिर बाद में यहां पर गोरी, कौन सा? गोरी। इसके बाद में जमकर कौन बैठ गया है, धूप या कुआसा? अक्षया जी, अक्षया कुआसा। करेक्ट, कुआसा। इसके बाद में नेक्स्ट क्या है मां? कपड़े अब तक कैसे हैं, सूखे हैं या गीले हैं? गीले, गीले हैं। ओके, इसके बाद में विलोम शब्द, विलोम शब्द यानी अपोजिट वर्ड्स, विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। अपोजिट वर्ड्स में देखिए इसमें कौन कौन से है, यहां पर दे लास्ट में विलोम शब्द लिखिए। जल्दी, जल्दी का विलोम शब्द क्या होता है? देर, देर। जल्दी, देर। सेकंड वन, बैठना, उठना, उठना, बैठना, उठना। थर्ड वन, सच, झूठ, झूठ। फोर्थ वन, हार, जीत, जीत। फिफ्थ वन, आना, जाना, गुड। यहाँ, वहाँ, वहाँ। धूप, छाव, गीला, सूखा, सूखा, गुड। गीला, सूखा। नाइस माँ, ऐसे आपको ये पूरा करना है। तो आज हमने क्या किया है, एक तो ओ की मात्रा वाले जो मात्रा लगाकर वर्णों को, अभी क को ओ की मात्रा को, ऐसा आपको यहां तक लिखना है। ओके, स्र तक लिखना है, कहां तक? क से लेकर स्र तक लिखना है। इसके बाद में उसके प्रश्नोत्तर, पांच प्रश्नोत्तर है, वो पांच के प्रश्नोत्तर आपको लिखना है। फिर इसके बाद में इसके बाद में फिर ये यानी सही विकल्प पर आपको टिक करना है। ओके, इसके बाद में अपोजिट वर्ड्स यानी जल्दी, देर, बैठना, उठना, सच, झूठ, हार, जीत, आना, जाना, यहाँ, वहाँ, धूप, छांव, गीला और सूखा, गीला और क्या है, सूखा, आपको लिखना है ये। ओके,
कितना है? समय हो रहा है और नहीं हुआ है, फिर से एक बार हम इसको रिवीजन करेंगे। ओके, फिर से एक बार प्रश्नों के उत्तर। अभी ये तो मात्रा तो आपको लिखना आता है, इसके बाद में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिख लीजिए। और अभी मैं दूसरे बच्चों को बोलूंगा। कौन है? हरोही, हरोही अनम्यूट मा। यस सर। ओके, वेरी गुड। आप बोलिए, सूरज अपने साथ क्या लेकर आता है? धूप लेकर आता है। गुड। सूरज फिर बाद में धूप का रंग कैसा होता है? पीला। पीला, नाइस। अब आप म्यूट हो जाइए, मैं म्यूट कर दिया आपको। फिर अद्वैत, अद्वैत थर्ड वन, कुहासा किस मौसम में होता है? यस सर। कुहासा किस मौसम में होता है? हाँ जल्दी अद्वैत। कुहासा सर्दी के मौसम में होता है। गुड गुड। हाँ, आवाज ठीक से नहीं आ रहा है कभी कभी, अभी तो आ गया। फिर सेकंड, नेक्स्ट फोर्थ वन, कपड़े गीले क्यों है? कपड़े गीले क्यों है? कपड़े बारिश के कारण गीले हैं। ओके, लास्ट वन, अगर सूरज न होता तो क्या होता या क्या होगा? नेक्स्ट, अगर सूरज नहीं होता तो क्या? आवाज नहीं आ रहा अद्वैत आपका। ठीक है, सूरज ना हो तो दिन और उजाला नहीं होता, उजाला नहीं होता है। इधर ये पिक्चर्स आ गए माँ। इसके बाद में अभी कौन? शन्विता, शन्विता। यस सर। ओके माँ, यू रीड दिस वन, विलोम शब्द। जल्दी जल्दी, अपोजिट। विलोम शब्द मीन्स अपोजिट वर्ड्स। हाँ जल्दी। देर, जल्दी देर। बैठना, बैठना उठना। ओके, सच झूठ। हार, हार, हार। हार का अपोजिट जीता। हाना, जीतना। नहीं नहीं, हार का जीत हो गया। फिफ्थ वन, आना, आना जाना। यहाँ, यहाँ वहाँ। ओके, धूप, धूप छाव। गुड। सेवंथ वन, गीला, गीला। सूखा, गीला सूखा। यहाँ पर अपोजिट वो सिंबल नहीं आया। हाँ ओके माँ, ये आपका आज का क्लास और आज का होमवर्क है। ओके ठीक है सर। हाँ सेंड करेंगे।
हाँ मैं सेंड कर देता हूँ माँ, ये पूरा आपको भेजूंगा, डोंट वरी। ओके बाय माँ। समझ में आया? कौन है? शनिता ठीक से बैठो ना, ठीक से बैठे हो? गुड गुड। समझ में आया आपको ये पूरा आज का? पहले मैंने रोज बाद में क्लास के बाद में 12 कड़ी लेता था, लेकिन आज पहले ही ले लिया, और उसके बाद में आपका ये सूरज जल्दी आना जी के प्रश्नोत्तर। ओके, पिछले क्लास में पूरे हम टेक्सटुअल एक्सरसाइज में ले लिए थे, और लेकिन इसके साथ साथ भी मैं दूसरे उसके जो प्रश्नोत्तर मैंने दिया हूँ, और होमवर्क यानी सॉरी विलोम शब्द, ये सारा आपको होमवर्क के लिए रहेगा। तो सूरज जल्दी आना जी, ये हम यहाँ पर खत्म करेंगे। नेक्स्ट लेसन आपको 14th यानी पेज नंबर 85 नटकट चूहा, हाँ ये देखेंगे, तब तक हम यहीं पर रोक देंगे। ओके बाय।